बच्चों आज हम तलाश पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तलाश पाठ के लेखक कौन है? कामतानाथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तलाश पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत के अतीत की झांकी शीर्षक में लेखक ने भारत के किस काल इतिहास का वर्णन किया है? वर्तमान काल का, अतीत काल का, भविष्य काल का, उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा अतीत काल का। अगला प्रश्न, लेखक ने भारत को कौन से देशों के लोगों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है? पश्चिमी देशों के, पूर्वी देशों के, दक्षिणी देशों के, उत्तरी देशों के। इसका सही उत्तर आएगा पश्चिमी देशों के लोगों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न, लेखक भारत के अतीत के इतिहास में किस रास्ते से पहुंचा था? उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से। इसका सही उत्तर आएगा पश्चिम से। लेखक भारत के अतीत के इतिहास में पश्चिम से पहुंचा था। अगला प्रश्न, नेहरू भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में कहाँ खड़े थे? एक नदी में, पहाड़ की तलैटी में, मोहनजोदड़ो के एक टीले पर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा मोहनजोदड़ो के एक टीले पर। नेहरू जी मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े थे। अगला प्रश्न, भारत ने कहाँ के लोगों को प्रभावित किया और स्वयं उनसे प्रभावित भी हुआ? मिस्र, मध्य एशिया, चीन, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत की अमरता के विषय में नेहरू जी के मन में कौन से प्रश्न उभरते थे? आखिर यह भारत है क्या? अतीत में वह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अतीत की विरासत को कौन खारिज करने का साहस कर रहा था? लेखक, भरत, अशोक, अकबर। इसका सही उत्तर आएगा स्वयं लेखक। अतीत की विरासत को स्वयं लेखक खारिज करने का साहस कर रहा था। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास को किस दृष्टि से देखा था? कवि की दृष्टि से, इतिहासकार की दृष्टि से, आलोचक की दृष्टि से, कथाकार की दृष्टि से। इसका सही उत्तर आएगा आलोचक की दृष्टि से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास को आलोचक की दृष्टि से देखा था। लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को कितनी पुरानी बताया है? 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, 5000 वर्ष, 8000 वर्ष। इसका सही उत्तर आएगा 5000 वर्ष। 5000 वर्ष पुरानी बताया है लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को, 5000 वर्ष पुरानी बताया है। अगला प्रश्न, भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान किस नदी के नाम के आधार पर पड़ा? गंगा, यमुना, कावेरी, इंडस या सिंधु। इसका सही उत्तर आएगा इंडस या सिंधु। भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। कुंभ का स्नान किस नदी में किया जाता है? गंगा नदी में, यमुना नदी में, सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। इसका सही उत्तर आएगा गंगा नदी में। कुंभ का स्नान गंगा नदी में किया जाता है। अगला प्रश्न, किस राजा ने अपने राज्य काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? अशोक ने, अकबर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने। इसका सही उत्तर आएगा सम्राट अशोक ने अपने राज्य काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न, नेहरू जी ने यूरोप के देशों के आगे निकलने का क्या कारण बताया? साहित्यिक रचना, तकनीकी उन्नति, रचनात्मक शक्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति। इसका सही उत्तर आएगा तकनीकी उन्नति। नेहरू जी ने यूरोप के देशों के आगे निकलने का कारण तकनीकी उन्नति बताया। अगला प्रश्न, लेखक ने वर्तमान भारत का आधार किसे बताया है? मानव कर्म को, मानव गरीबी को, प्राचीन संस्कृति को, मानव धर्म को। इसका सही उत्तर आएगा प्राचीन संस्कृति को। लेखक ने वर्तमान भारत का आधार प्राचीन संस्कृति को बताया है। यूरोप ने शक्ति प्राप्त करके क्या किया? सब देशों पर शासन किया, देशों को आपस में लड़ने के लिए मजबूर किया, एशिया के देशों पर अधिकार करना चाहा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा एशिया के देशों पर अधिकार करना चाहा। अगला प्रश्न, अतीत में भारत की उन्नति में कौन सी बाधा थी? अनुकरण की प्रवृत्ति, महासागरों को पार न करना, आधुनिक उपकरणों का अभाव, भारत की विविधता। इसका सही उत्तर आएगा
महासागरों को पार न करना। अतीत में भारत की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा महासागरों को पार न करना थी। अगला प्रश्न, भारत की संस्कृति की सबसे महान विशेषता क्या बताई गई है? विविधता, एकता, विशालता, सामंजस्य। इसका सही उत्तर आएगा सामंजस्य। भारत की संस्कृति की सबसे महान विशेषता सामंजस्य है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार भारतीय समाज का कौन सा वर्ग आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहता था? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा मध्य वर्ग। लेखक के अनुसार भारतीय समाज का मध्य वर्ग आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहता था। अगला प्रश्न, देश के वास्तविक जीवन मूल्य नेहरू जी को कहाँ दिखाई देते थे? शहरों में, कस्बों में, नगरों में, गाँव में। सही उत्तर आएगा गाँव में। देश का वास्तविक जीवन मूल्य नेहरू जी को गाँव में दिखाई देता था। अगला प्रश्न, भारत का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया था? राजा भरत, राजा राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दुष्यंत। इसका सही उत्तर आएगा भरत। राजा भरत के नाम पर भारत का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारत माता कहा था? भारत के गांवों को, भारत के नगरों को, भारत की सारी जनता को, अंग्रेजों को। इसका सही उत्तर आएगा भारत की सारी जनता को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सारी जनता को भारत माता कहा था। अगला प्रश्न, धरती को भारत माता किसने कहा था? व्यापारी ने, अंग्रेजों ने, एक किसान ने, भरत ने। सही उत्तर आएगा एक किसान ने। धरती को भारत माता एक किसान ने कहा था। अगला प्रश्न, भारत माता की जय हो नारे से लोग किसका स्वागत करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, अकबर का, सम्राट अशोक का, राजा भरत का। इसका सही उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत माता की जय हो नारे से लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करते थे। अगला प्रश्न, भारतीयों की किस विशेषता को बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी मिटा नहीं सका था? गरीबी को, विविधता को, एकता को, विनम्रता और ईमानदारी को। इसका सही उत्तर आएगा विनम्रता और ईमानदारी को। भारतीयों की विनम्रता और ईमानदारी को बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी मिटा नहीं सका था।